गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं व्लॉग क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज के दिन में हम जो भी करेंगे, जो कहीं भी जाएंगे, सब आपके साथ छोटी छोटी क्लिप्स में शेयर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर एंड तक वीडियो देखना, हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि ताकि आप हम और वीडियोस डालें आपको पता चले। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। Yes, और चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, पहले अपने गणपति को अच्छे से धोया। बहुत अच्छे से धोने के बाद हमें उसको डेकोरेशन किया। हाँ। सॉइल पेपर जैसा आप देख सकते हो। क्या कहते हैं, हाँ? पूजा की प्लेट थी जिसके अंदर लड्डू वड्डू सब था, फिर आरती की। फिर लंच टाइम जिसमें हमने खाया पोहे विद दही जो बहुत टेस्टी होता है, और शाम को दाल बाटी खाया था। अभी कुछ तो इंटरेस्टिंग करें क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाए इस व्लॉग के लिए, तो हमने सोचा एक छोटा सा चैलेंज करें। हम करें लड्डू ईटिंग चैलेंज। हम दोनों एक एक लड्डू खाने वाले हैं और जो से लड्डू को पहले खाता है वो जीतता है, वो और वो गणेश जी का सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। ओके, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है यार, सब गणेश जी के भक्त होते हैं। मेरा मुंह में से लड्डू खत्म हो गया और ये नहीं खाई सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग की वजह से। मुझे तो नहीं, मुझे तो गणपति पापा का वैलिड भक्त बनना था, इसलिए मैंने चैलेंज जीत लिया। बट गाइस, मैंने बोला था ना, सब गणेश जी भक्त होते हैं। तो गाइस, शाम को हम गए मेले में जो बहुत बड़ा मेला था और वो जयपुर में लगता है। तो आप भी देखिए गणेश चतुर्थी जयपुर राजस्थान में कैसे सेलिब्रेट होती है। तो हमने जो भी शूट किया छोटी छोटी क्लिप मेले वाली, तो आप वो देखिए और एंजॉय कीजिए। निकलने के बाद भी बहुत सारी बची है अभी। आपको कैसा लग रहा मेला देखने के ऊपर? मैं थक चुकी हूँ, 10 बज चुके हैं, मेरा सोने का वक्त हो चुका है। फिर अचानक से एक बैंड आ गया, हमने उसकी भी शूटिंग की। बहुत बड़ा आदमी था, तब देखिए। इस वीडियो की इतना ही, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।